नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ टुडे लाइव। आज जन औषधि केंद्र लक्ष्मी चौक मुजफ्फरपुर का भव्य उद्घाटन हुआ। डॉक्टर रागिनी रानी, भाजपा नेत्री एवं शिक्षाविद के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद थे। जन औषधि केंद्र की निर्देशिका रिद्धि कुमारी ने बताया कि यहां पर हर तरह की दवाइयां उपलब्ध है। मोहल्लेवासियों की परेशानियों को देखते हुए तथा कई बार मोहल्लेवासियों ने बताया कि महंगी दवा खरीदनी पड़ती है, इसका कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। इसको देखते हुए जन औषधि केंद्र का सेंटर यहां पर खोला गया। यहां पर हर तरह की औषधियां उपलब्ध है, वो भी मार्केट रेट से 50 से 80% तक कम दामों में। जन औषधि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री का मानना है कि कोई भी व्यक्ति कम पैसों में आसानी से अपना उपचार करा सके, इसलिए जन औषधि का केंद्र खोला गया। देखिए यहाँ खास रिपोर्टर हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता पायल कुमारी का। अपना भविष्य बेहतर बनाएं AICTE अप्रूव्ड एंड BRA बिहार यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के साथ कंसिस्टेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी से खुलेंगे सुनहरे भविष्य के अवसर। रजिस्ट्रेशन ओपन इन MBA, BBA, BCA कोर्सेज, जल्दी ही MCA एंड BLIS कोर्सेज भी शुरू। वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नारायणपुर रोड, नियर मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। कॉल 7292888155। RPS पब्लिक स्कूल CBSE एफिलेटेड अप टू 12 झपहा मुजफ्फरपुर बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। UK इंटरनेशनल स्कूल CBSE करिकुलम क्लास LG से 10वीं तक JP कैंपस बैरिया ओल्ड मोतिहारी रोड मुजफ्फरपुर।